हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में टेंस के बारे में जानकारी दी थी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके मैं रूल्स बताऊंगी और कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इसके मैं आपको टेंस से मैंने शुरुआत किया था, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके जो रूल्स हैं, पहले उसे हम देखेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सेंटेंस ऐसा होता है जिससे मुझे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये सेंटेंस। तो लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, उसमें आता है रहा है, रही है या रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब ये तो आपको मैंने रूल वन बताया और इसके जो मेन रूल हैं वो इस प्रकार हैं। ये सेंटेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी साथ में जुड़ जाता है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अब निगेटिव सेंटेंस में अगर होते हैं तो उसके साथ क्या होता है इज, एम, आर प्लस उसके संग नॉट जुड़ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है प्लस आईएनजी। थर्ड सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज, एम, आर जो होता है वो पहले आ जाता है और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, इज हुआ, एम हुआ और आर हुआ और उसमें सब्जेक्ट जुड़ा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ गया। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ एग्जांपल्स जिसके आपको और भी क्लियर हो जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं पॉजिटिव सेंटेंस को लूंगी जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे अर्जुन रो रहा है, सॉरी अर्जुन रो रहा है, इसका क्या होगा अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इसको, तो अर्जुन इज वीपिंग। अब आपने इस सेंटेंस में देखा कि एक सिंपल सेंटेंस की तरह लग रहा है, इसमें इज जुड़ा और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी जो मैं आपको बताई थी।
सेकंड नंबर पे वह क्रिकेट खेल रहा है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट. अब यहां मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में. अब मैं आपको बताऊंगी निगेटिव सेंटेंस के बारे में. तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें नॉट जुड़ जाता है. इसका आप एग्जांपल लीजिए. मैं निबंध नहीं लिख रहा हूं. अब यहां पे क्या आ गया निगेटिव सेंटेंस, नहीं. तो इसके लिए हम लोग बताएंगे आई एम नॉट राइटिंग एन एसे. अब एसे के आगे एन क्यों लगा, क्योंकि वर्ल्स में जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू के पहले एन का यूज होता है, इस वजह से यहां पे लगा है एन एसे. इसका सेकेंड है सेंटेंस, किसान अपने खेत में हल नहीं चला रहा है. अब सेंटेंस थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए. धीरे धीरे तोड़ तोड़ के किसके बारे में क्या चीज कहा जा रहा है, किसके हम वर्ड की मीनिंग जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं और क्या क्या होंगे, उसको आप ध्यान से देखिए और उसका ट्रांसलेट करते चलिए. द फार्मर इज नॉट प्लॉइंग हिज फील्ड. अब नेक्स्ट आप लीजिए थर्ड सेंटेंस, तुम शोर नहीं मचा रहे हो. यू आर नॉट मेकिंग अ नॉइस. ठीक है, ये हुए आपके निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स. अब मैं आपको बताऊंगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं. यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के. वह कहां जा रहा है. अब यहां पे जब हम लोग चेंज करते हैं तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि वह के बाद आया कहां, तो इसका पहले हम लोग जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो करेंगे वेयर इज ही गोइंग. अब यहां पे जब हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, उसके लिए वह क्यों रो रही है. इसके लिए हम देखेंगे कि यहां पे फिर से हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, तो व्हाई इज शी वीपिंग. ओके, अब आप एक और सेंटेंस लीजिए. तुम किसे
पढ़ा रहे हो। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो किसे के लिए, किसको क्या हम यूज करेंगे, किसे के लिए, उसको हम होम यूज करेंगे। होम आर यू टीचिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहां पे बताया पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।